इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आईपीएस यादव और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। आज मेरे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार निर्मलेंदु शाह जी, जो फिलहाल यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है सुहाना सफर विद निर्मलेंदु। तो आइए उनसे हम बात करते हैं सुहाना सफर विद निर्मलेंदु जी के बारे में, और उसके साथ ही साथ वह एक किताब लिख रहे हैं, उस किताब के बारे में भी हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आज आईपीएस जी ने मुझे बुलाया और मैं उनके सामने हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है और कई कारणों से अच्छा लग रहा है। आपको एक एक बात आप तक पहुँचाऊँगा और इसके लिए आप धैर्य के साथ थोड़ा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ, क्योंकि सुहाना सफर है और दादा म्यूजिक पर ये शो करते हैं, तो हम इनसे कुछ चाहेंगे कि गाना गवाना भी इनसे। तो दादा, शुरुआत हम करते हैं, ये जो आपने सुहाना सफर शुरू किया है, ये कब किया और अब तक कितना काम कर चुके हैं और क्या आपकी कोशिश रहती है इसके जरिए देने की? एक्चुअली अगर सुहाना सफर की बात मैं करूं तो मुझे रफ़ी साहब पर आना पड़ेगा। ये बहुत लंबा किस्सा है और इस किस्से के बारे में जब बोलेंगे तो शायद 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। मैं अभी केवल सुहाना सफर के बारे में बात कर रहा हूँ। कोरोना का समय था और मैं दैनिक भास्कर में नोएडा संस्करण में था, तो उन दिनों बात ये हुई कि उसके अलावा कुछ करूं, तो तभी रफ़ी साहब के की किताब लिखने की बात मेरे दिमाग में आई। उसी समय मेरे किसी दोस्त ने सुझाया कि आप तो गाना गाते थे बचपन में, कई बार स्कूलों में मार भी पड़ी है, तो आप क्यों नहीं एक इस तरह का चैनल वो करें जिस चैनल से लोगों को पुरानी गीतों के बारे में जानकारी मिले। तो मैंने कहा चलिए ये अच्छी बात है। और इसी दौरान मैं बातचीत घर में कर रहा था और मेरे बेटे ने नाम सुनरज सुझाया कि सुहाना सफर विद निर्मलेंदु कर दीजिए, तो मैंने शुरू कर दिया। और पहला जो गीत था वो गीत धूल का फूल का था, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न। ये गाना मैं बचपन से गाता आ रहा हूँ और स्टेज शो भी करता था। इस गाने ने मुझे, आप समझ सकते हैं कि मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। इस गाने के सारे बोल अगर आप सुनेंगे और अंत तक गाने को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये गाना किस तरह से लिखा गया है। हिंदू मुस्लिम एकता पर इससे बढ़िया गाना नहीं लिखा गया, मैं नहीं कहूँगा, लिखा गया है, लिखा गया होगा, लेकिन ये भी एक बेहतरीन गाना है और इस गाने को मतलब सुनना चाहिए। मैं आईपीएस जी से दरख्वास्त करूँगा कि इसके बाद वो गाने के कुछ लाइनें वो सुना दें ताकि या समझ में आए कि रफ़ी साहब कैसे हैं। इंसान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। दादा, बतौर पत्रकार तो आपका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। पत्रकारिता जगत का कोई शख्स नहीं है जो आपके बारे में नहीं जानता हो, क्योंकि आप वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। लेकिन एक वरिष्ठतम पत्रकार जब गाता है, गुनगुनाता है धुन में, लय में, तो वो कैसी महसूस, क्या आपको फीलिंग होती है, वो जरा बताइए। मैं महसूस कैसे करूँ, मैं कैसे बताऊँ कि जब मैं रफ़ी साहब का कोई भी गीत गाता हूँ, जैसे चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल कटोरा लाई चिड़िया, ये जो गाना है ये सन ऑफ इंडिया शायद फिल्म थी, उस फिल्म का गीत है और जबरदस्त गीत है। उन दिनों इस गीत ने धूम मचा कर रखी थी। तो इस तरह के बहुत से गाने हैं, जैसे आप जाएंगे तो उस फिल्म का, दिलीप कुमार की फिल्म है वो फिल्म मधुमती, जिसका गाना है टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे क्या मतलब उसका शब्द मैं भूल जाता हूँ। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो आपने क्यों नहीं गाया? नहीं, मैं एक चमत्कार बताता हूँ। चमत्कार ये है कि रफ़ी साहब पर मैं फिदा हूँ, रफ़ी साहब पर किताब भी लिख चुका हूँ, रफ़ी साहब के गाने गाता हूँ, लेकिन मेरी आवाज मुकेश जी से मिलती है। और मैं बताऊं आपको, मुकेश जी के गाने मैं स्टेज शो में बचपन में 18-19 साल के 20 साल के एज में गाता था। अच्छा, जैसे ये गाना खूब गाता था मैं,
दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। तो ये जो गाने हैं, मुकेश है, तलत महमूद के गाने, मतलब सबके गाने, मैं आपको बताऊं, मैं 5000 गाने गा सकता हूँ, 5000। उसमें तलत महमूद भी हैं, उसमें रफ़ी साहब तो हैं ही हैं, मुकेश जी भी हैं, और मन्ना डे भी हैं, और भी बहुत से, जो महेंद्र कपूर हैं। तो गाना जो है ना, जब मैं गाना गाता हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ कह सकते हैं, तो मैं गुनगुनाता रहता हूँ दिन भर। और मुझे गुनगुनाना या गाना गाना, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया और कोई काम ही नहीं है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, निर्मल दास से मेरी दोस्ती करीब 25 साल पुरानी है। और दादा, याद है आपको 20-25 साल पहले जब हम लोग शाम को टहलने निकलते थे रास्तों पर, मीरा रोड में और यहाँ मुंबई में, तो अक्सर आप गुनगुनाया करते थे, और मोस्टली ज़्यादातर गाने गुनगुनाते थे आप। मैं बोलता था, दादा आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है, तो आप क्यों नहीं इस पर कुछ करते। हाँ, आप, मुझे याद है, ये 97-98 की बात है, हम अमर उजाला में उस समय आए थे, ब्यूरो चीफ बन के आए थे, और आपसे मेरी एक फंक्शन में मुलाकात हुई थी, और आप अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था, आपके साथ मेरी अच्छी दोस्ती बनी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमारा आज 97 से सोच लीजिए अब तक, हालांकि 97 से अब तक जो साथ रहा है वो कभी मैं भूल नहीं सकता, और वो दिन नहीं भूल सकता जब आपने एक जस्ट इतना कहने पर कि मेरी बेटी आ रही है, बेटी को रखना है, तो आपने मुझे कहा कि मेरे घर में रखिए। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो सब लोग नहीं कर सकते। बॉम्बे जैसे शहर में रहना और किसी के घर में रहना, ये बहुत बड़ी बात है। सब नहीं दादा, ये तो आपका ही, आपको ही जाता है इसका भी क्रेडिट, क्योंकि आपने मुझे छोटे भाई की जैसा प्यार दिया है हमेशा। देखिए, प्यार तो लोग अपने भाई को भी देते हैं, लेकिन वो भाई भाई नहीं बन पाते। तो भाई बनने के लिए जो केवल खून का रिश्ता हो, ऐसा नहीं होता। भाई बनने के लिए मानसिकता चाहिए, भाई बनने के लिए सेक्रीफाइस चाहिए, भाई बनने के लिए दूसरों को समझना चाहिए, और दूसरों की बातों को का पालन करना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जितने कार्यालयों में, जितने अखबारों में आपने काम किया है, क्या उन लोगों को ही पता था कि आप गाते हैं, आपको गाने का शौक है? हाँ, बिल्कुल पता था। गाने के कारण ही मुझे कई बार, स्कूल से बात करूँ तो स्कूल में एक बार गाना गाते गाते मैं किशोर कुमार का गाना गा रहा था, वो आराधना का गाना था, वो कौन सा गाना था किशोर कुमार का, मैं भूल गया, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, मैं 10 साल 11 साल का हूँ, 12 साल का हूँ, तो उस समय आप सोच लीजिए कि ये गाना मैं गा रहा हूँ और तबला बजा के, रूप तेरा मस्ताना मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, चाल मेरा दीवाना, रात को गड़बड़ हो न जाए, ये बोल नहीं है तो, लेकिन सु रही है। तो पनिश किया गया है, आपको अवार्ड दिया गया आपको? नहीं, पनिशमेंट मिला, पनिशमेंट मिला। और मुझे जहाँ तक याद है, वो प्रिंसिपल साहब ने मुझे मुर्गा बना के फील्ड में खड़ा कर दिया था, कान पकड़ के, 1 घंटे तक मैं धूप में तपता रहा, उसके बाद बुलाया गया। फिर एक दिन और ऐसा ही हुआ, वो मेरा जो मैथ का टीचर था, मैथ का टीचर मुझसे बहुत नाराज रहते थे, क्योंकि मैं हर चीज में तो अव्वल था, इंग्लिश से बंगला में, हर सेकेंड आता था, फर्स्ट नहीं आ पाया केवल मैथ के कारण। तो मुझे चाहते थे कि मैं मैथ में, लेकिन मेरा मैथ इतना खराब था कि 40 से 50 से ज्यादा मैं कभी मैथ नहीं पाया। मेरे एक स्कूल की एक लड़की हुआ करती थी तुलिका, तुलिका ने मुझे हमेशा सेकंड में ही रखा, फर्स्ट में आने नहीं दिया। लेकिन मैं, मुझे उस दिन भी मार पड़ी थी, और उस दिन भी मैं किशोर कुमार का ही कोई गाना गा रहा था, गाना मुझे अभी तुरंत याद नहीं, हाँ याद नहीं, वो झुमरू का गाना था। अच्छा अच्छा, झुमरू का गाना था, और मुझे याद नहीं आ रहा है गाना क्या था, लेकिन झुमरू का गाना था, और उसके कारण मार पड़ी थी। इसके बाद जब मैं नौकरी करने आया, रविवार एबीपी न्यूज में आया, तो वहाँ भी मुझे एक बार टाइपिंग करते करते लकड़ी का लड़की कर दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मेरी शिकायत हुई, तो मेरे बॉस ने बोला, अरे इस एज में ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा। तो गाने के लिए मुझे कई बार शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मुझे महसूस नहीं हुई, मुझे टोका गया। और मैं बहुत फिल्में देखता था, तो मेरे
एक मौसा थे, डीन थे, प्रोफेसर थे, वो कल्याण यूनिवर्सिटी बहुत वहाँ के क्या बोटानी के प्रोफेसर थे, उन्होंने कभी मुझे मजाक में कहा था कि तुझे मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैनेजर बना दूंगा सिनेमा का, मुझे वो लगी थी बात, चुभी थी। अच्छा। तो पहला आर्टिकल जब मैंने लिखा तो मैंने उनको जाके दिखाया तो गदगद हो गए। अच्छा, तो गाने पर तो मुझे बहुत बार मार पड़ी है, लेकिन हाँ मेरे पिताजी ने कभी मुझे नहीं मारा गाने के कारण। अच्छा। वो बल्कि मुझे हारमोनियम के सामने बैठा लेते और केल सगल का गाना खुद गाते थे। क्या बात है। और हाँ कलाकार थे को? हाँ, वो हारमोनियम बजाते थे, मैं हारमोनियम बजाना सीख नहीं पाया। हाँ। और मुझे कहते थे कि तू ये वाला गाना, जैसे मधुमती का गाना, वो कौन सा गाना है, नहीं सॉरी कोहिनूर का गाना। अच्छा। हाँ, याद नहीं आ रहा है। सहगल का कोई गाना अगर आप गुनगुना सके तो बड़ी अच्छी। नहीं, मुझे अचानक याद नहीं आता है। अच्छा। आजकल याददाश्त में थोड़ी। तो पिताजी के साथ करते होंगे ना? हाँ, पहले करते थे। वो गाना था ना सहगल का, जो बाद में किशोर कुमार ने भी गाया था। वो गाना कैसा, अभी याद आ जाएगा तो मैं गाना गाता। अच्छा, तो सहगल साहब का गाना पापा गाते थे और सहगल को बहुत पसंद करते थे और मुझे उन्होंने गाना गाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। वैसे एक बात बता दूं, मेरे घर में गाने का रियाज बहुत है, मेरी दीदी ने एमए किया था। अच्छा। हाँ, रविंद्र संगीत में। तो गाने का जो चलन है, मेरी बेटी भी बॉम्बे आई थी सिंगर बनने, तो उसकी आवाज भी बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी है आवाज। सुने एल्बम उनके कई आए हैं। तो इस तरह से गाने के कारण हमें कई बार मार पड़ी, कई बार हमें लोगों के ताने सुनने पड़े घर में, लेकिन पत्रकारिता का सफर तो मेरे ख्याल से सुहाना ही रहा आपका गाने की वजह से। हाँ, पत्रकारिता का सफर, लोग बोर नहीं होते होंगे, मोस्टली पत्रकारों से बोरियत वाला काम है? नहीं, ऐसा है कि चूंकि मैं पत्रकारिता भी जो करता था उसमें भी गाना गाते गाते करता था। गाना गाते थे लिखता था, गाना गाते थे आर्टिकल लिखता था, कुछ भी। अचानक मैं गाना गाने लगूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक सब्जी खरीदने गए, मेरा एक दोस्त था, उसके सामने मैं सब्जी खरीदते गए थे, सामने महिला जो थी वो सब्जी बेच रही थी। अच्छा। और मेरे बाजू में भी महिला थी। हाँ, रजनी नाम है उनका, मेरा दोस्त है, घरेलू दोस्त है। मैं गाना गाने लगा, तुम तमसिन हो नाजुक हो भोली हो तुम कमसिन नादा हो, गुनगुनाने लगा हल्का सा, तुम कमसिन हो नादा हो नाजुक हो भोली हो। तो ये गाना अगर अचानक मुझे चुटकी काटी मेरी दोस्त ने, वो ये क्या कर रहे हो, तो इस तरह का मेरे साथ वाकया हुआ है। कुछ हुआ तो नहीं था? बच गए? नहीं, बच गए। वो हंसने लगी, वो महिला थी, वो हंसने लगी। हाँ, अभी राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दिया तो बवाल जितना हो गया। देखिए, ये जो राहुल गांधी ने किया, इस पर मैं बाद में आपसे चर्चा करूंगा। वो हाँ, वो जो किस्सा अलग है, राहुल के कारण सब लोग डर गए। दूसरी बार जब राहुल आए सदन में कई दिन पहले, शायद 40-42 दिन बाद आए, तो उसके बाद सारे लोग की आंखें खुल गई हैं। लोगों को लगने लगा है कि इन लोगों ने कौन कौन सा काम गलत किया है। उन्होंने हमेशा आवाज उठाई है, कभी GST पर, कभी नोटबंदी पर, मतलब हर, कभी अडानी पर, हर मामले में, राइफल पर, हर मामले में उन्होंने आवाज उठाई है। और उस आवाज के कारण ही, उनकी आवाज को बंद करने के लिए ये सब लोग उनके पीछे पड़ गए, पीछे पड़े हुए। हाँ, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ पर बस छोटी सी टिप्पणी है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया वो इतिहास है, और ऐसा मतलब वो दबाव में नहीं आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वीडियो हम ज्यादा लंबा नहीं करते, इसको ही विराम देते हैं, अगला वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।